नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरे। शाम के 7 बजने वाले हैं। देश भर में क्या कुछ हुआ आज दिन भर में, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। कुछ अहम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दिल्ली की एक खास खबर। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही शराब पीकर मेट्रो में चढ़ा और किस तरह से इसने यहाँ नौटंकी, ये पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। राधे मां को कपूरथला पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है। आखिर अब क्या लगा है नया आरोप, ये खबर भी ध्यान से हमारे इसी कार्यक्रम में देखिएगा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद किए जाने के खिलाफ उनके समर्थकों ने जम करके प्रदर्शन किया है, हंगामा हुआ, लेकिन फिर पुलिस ने उनके साथ क्या किया, ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। विदेश राज्य मंत्री और सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह की बेटी आज जंतर मंतर पहुंच गई। वन रैंक वन पेंशन की मांग में सैनिकों के समर्थन में क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको बताएंगे। एक और अहम खबर है गुजरात से, जहां पर पाटीदार समाज के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर, लेकिन अब इनके खिलाफ ओबीसी के लोग भी एकजुट हो रहे हैं। क्या कुछ अब ताजा स्थिति है, पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं असम से बेहद अहम खबर, बाढ़ के हालात और विकराल रूप ले चुके हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, ये पूरी खबर भी देश दिन भर में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक ऐसी खबर से हड़कंप मचा है जिसमें दिन दहाड़े हत्या हो गई है। ग्रेटर कैलाश जो दिल्ली का पॉच इलाका है, यहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 5 लोगों को पुलिस ने इसके बाद गिरफ्तार भी किया। लोहे के गेट से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई इस स्कॉर्पियो कार को देखिए, ये कोई सड़क हादसा नहीं है। पुलिस के मुताबिक इसी कार में सवार कुछ लोगों ने दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर रमाकांत की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि जब रमाकांत अपनी बाइक से जा रहे थे तो स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी और फिर उन पर गोलियां बरसाई गई। आरोप है कि जब पास से गुजर रही पुलिस वैन ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका तो पुलिस पर भी फायरिंग कर दी गई, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस को शक है कि रंगदारी नहीं मिलने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस को 3 और लोगों की तलाश है। राजधानी दिल्ली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात राजू नाम का ये शख्स, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था, अपने घर जा रहा था, तभी लाजपत नगर के इलाके में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उसे रोका, उसके बाद उसे गोली मार दी। उसके साथियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बाकी कुछ साथियों ने वो राजू को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को किसी ने पेट्रोल बम फेंक कर जलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक किसी ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। इस मामले की भी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही दिल्ली के मेट्रो ट्रेन में चढ़ा, शराबी सिपाही किस तरह से तमाशा करता रहा, किसी ने इसे पूरा शूट भी किया और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस से इसकी खूब किरकिरी हो रही है। दिल्ली पुलिस की वर्दी में इस सिपाही को जरा गौर से देखिए, इसकी हरकतों से साफ समझ आ रहा है कि इसने शराब पी रखी है। देखिए, ये सिपाही ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो मोबाइल फोन से एक मुसाफिर ने शूट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस वाला मेट्रो स्टेशन आने पर उतरने के लिए गेट के पास जाता है, मगर वो जिस दरवाजे के पास जाता है उसकी दूसरी तरफ वाला गेट मेट्रो स्टेशन आने पर खुलता है। गेट खुलने पर मुसाफिर उतर जाते हैं, मगर शराबी पुलिस वाला बंद दरवाजे के आगे ही खड़ा रहकर उसे खुलने का आदेश देता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो मेट्रो में सवार एक शख्स उसे अपने पास बुलाता है। पुलिस वाला जैसे ही कदम उठाता है लड़खड़ा कर गिर जाता है। पुलिस कर्मी है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अब जो छवि पूरी की पूरी पुलिस की छवि तो ना खराब करे। उधर इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बाबत कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि ये पुलिस का सिपाही है भी या नहीं। पुलिस ने दोष साबित होने पर कार्रवाई की बात कही है। उधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से वो कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। हमारी अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की जान पर बनाई। दरअसल एक वाहन चालक को जब उसने कागजात चेकिंग के लिए हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की तो इस मिनी ट्रक ड्राइवर ने उसी कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी। जनकपुरी ट्रैफिक सर्किल में तैनात सिपाही दिनेश मीणा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल जब दिनेश अपने साथियों के साथ ड्यूटी कर रहे थे तभी एक मिनी ट्रक को उन्होंने जांच के लिए रुकने का इशारा किया तो ट्रक वाले ने उन्हें कुचल दिया और फिर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस वारदात में दिनेश के सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। चेकिंग कर रहा था तो उसमें रोकने के बजाय चढ़ा दिया और वो फरार हो गया। वो फरार हो गए, ये ऐसे बता रहे हैं कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, फिर दोबारा घूम के आया और उसने चला के मार दिया।
घायल जवान दिनेश मीणा राजस्थान का रहने वाला है। उधर पुलिस पर आरोप है कि वो 2.5 घंटे तक इस मामले को दबाने में लगी रही। इतने वक्त में भी आरोपी ड्राइवर पकड़ में नहीं आया है। आरोप ये भी है कि जब मीडिया थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। एम्स में एक मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया और यहाँ तोड़फोड़ भी की। हालांकि बाद में डॉक्टर्स को धमकी भी दी इन लोगों ने और यहाँ सुरक्षा फिर और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। काउंटर का ये टूटा शीशा और गार्ड की चौकसी इस बात की गवाह है कि यहाँ कुछ हंगामा हुआ था। दरअसल मरीज की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर को अपना शिकार बनाया। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि परिवार वाले घायल बताकर मरीज को वहां लाए थे, मगर जब डॉक्टरों ने जांच की तो वो मृत निकला। इस बारे में जब डॉक्टरों ने परिवार को बताया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। हालात को काबू में करने के लिए यहां पुलिस को भी बुलाना पड़ा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ, इस बीच में बाहर इमरजेंसी का गेट तोड़ा गया, गार्ड्स को पीटा गया और हम लोग भी घबरा गए क्योंकि अंदर तक रिलेटिव्स कुछ लेके आ गए थे, तो हम लोग भी घबरा गए। मॉब आया और हमारे पूरे हॉस्पिटल के अगेंस्ट उन्होंने वायलेंस किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बीटअप किया और ये जो ग्लासेस है उनको पैंट्स को तोड़ा। राष्ट्रवादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद किया गया और इसके विरोध में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, उन्हें छोड़ने की मांग भी की गई। ऐसे में इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सैयद अली शाह गिलानी को रिहा करने की मांग लेकर उनके सैकड़ों समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने समर्थकों को पहले चेतावनी दी, मगर जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से नाराज गिलानी समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। गिलानी को एक रैली को संबोधित करने जाना था, मगर इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर लिया। गिलानी के अलावा उनकी पार्टी के एक और नेता बिलाल लोन को भी हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार गिलानी ने पहले से किसी रैली की जानकारी नहीं दी थी। उधर दिल्ली में नजरबंद किए गए अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को ईडी ने समन दिया है। उन्हें 2005 में आतंकवाद की फंडिंग के लिए हवाला के जरिए पैसों के लेन देन के मामले में मंगलवार को ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए सुरक्षा बलों। 3 आतंकियों को मार गिराया गया और बड़ी तादाद में इनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया। बीती रात सुरक्षा बलों को खबर मिली कि हंदवाड़ा के जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां घेरा डाल दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही। इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया जबकि सेना का एक जवान घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद सेना ने पूरे इलाके में गहन तलाशी अभियान छेड़ा। सेना ने आतंकियों के कब्जे से बंदूकें, भारी तादाद में कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट और कई सारी दूसरी चीजें बरामद की है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच NSS स्तर की वार्ता रद्द होने के बाद ये मुठभेड़ हुई है। उस पर फायर फाइट शुरू हुई तो रात भर ये एनकाउंटर चलता रहा और मॉर्निंग टाइम में फिर 5:15 के करीब फायर खुला जिसमें अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। और देश के उत्तरी इलाके के बाद अब देश के पूर्वोत्तर इलाके की ओर रुख करते हैं। असम में बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार उफन रही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। हालांकि कल के मुकाबले ये काफी कम है, फिर भी प्रशासन ने नाव और फेरी चलाने पर रोक लगा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से 1400 से ज्यादा गांवों के 6.5 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा। भारी बारिश की वजह से कोकराझार, लखीमपुर, धुबरी, सोनितपुर और चिरांग जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बोंगाई गांव में हालत खराब है। यहां बाढ़ से तकरीबन 2.25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कोकराझार में भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। NDRF समेत कई एजेंसियां दिन रात राहत बचाव के काम में लगी हैं। कि वहां के लोगों को हमारी ओर से आश्वस्त हों कि भारत सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। और अब खबर गुजरात से, जहां पर पाटीदार समाज आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। ऐसे में अब OBC समाज के लोग भी एकजुट हुए हैं इनके खिलाफ और ऐसे में आनंदीबेन पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद में OBC आरक्षण बचाव समिति के बैनर तले ये रैली हो रही है पाटीदार समुदाय को चेतावनी देने के लिए। इन लोगों ने आगाह किया है कि अगर OBC के अधिकारों पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। OBC समुदाय ने भी पटीदारों की तरह युवा नेतृत्व को मैदान में उतारा है। बहरहाल OBC नेताओं के मुताबिक वो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग गुजरात के विकास के लिए मिलकर काम करें।
जिले जिले तालुके तालुके गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में हम जाएंगे और ओबीसी को एकत्रित करेंगे, उसको संगठित करेंगे, उनको एजुकेशनली स्ट्रांग करेंगे और आने वाले समय के अंदर ओबीसी के विकास के लिए सब कुछ वो करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर पाटीदारों और ओबीसी समुदाय के आमने सामने आने से टकराव का खतरा पैदा हो गया है। खुफिया विभाग सरकार को रोज इनपुट दे रहा है जिससे पता चलता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। गुजरात सरकार की तरफ से भी अखबारों में विज्ञापन दिया जा रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। 26 अगस्त के बाद ओबीसी नेता भी जगह जगह रैलियां करने वाले हैं और बड़ा जनसमर्थन इकट्ठा करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। उधर पाटीदार समाज भी 25 अगस्त के बाद नई रणनीति और बदलाव के साथ मैदान में उतर रहा है। राधेमा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कई आरोप राधेमा पर लग रहे हैं और अब कपूरथला पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। जांच में अब शामिल होने के लिए उन्हें कहा गया है। आरोप लगाए पूर्व बीएचपी नेता को धमकी देने का। राधेमा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। बीएचपी नेता सुरेंद्र मित्तल को धमकियों के मामले में कपूरथला पुलिस ने राधेमा और उनके सहयोगियों को नोटिस भेजकर जांच के लिए बुलाया है। बता दें कि सुरेंद्र मित्तल ने आरोप लगाया था कि राधेमा ने उन्हें धमकाया है। अपनी शिकायत में मित्तल ने रज्जी मौसी, छोटी माँ और संजीव गुप्ता को भी नामजद किया है। इस मामले में सुरेंद्र मित्तल ने राधेमा के खिलाफ फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास जमा करा दी है। और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी भी आज जंतर मंतर पहुंच गई। दरअसल वो वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री की यहां तारीफ भी की। पूर्व सैनिकों के साथ जंतर मंतर पर धरना दे रही ये है विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी। इनकी मांग है कि वन रैंक वन पेंशन का विवादित मुद्दा जल्द सुलझना चाहिए। उनका कहना है कि पूर्व सैनिकों की इस लड़ाई में वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार जानबूझ के देरी कर रही है। शायद समय लग रहा होगा, पर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक टाइम फ्रेम बता दें हमारे पूर्व सैनिकों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मृणालिनी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर भी वो जल्द फैसला लेंगे। गौरतलब है कि पूर्व सैनिक एक रैंक एक पेंशन की मांग को लेकर 2 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। ऐसे में उन्होंने आज कैंडल मार्च भी शाम को किया है और उनकी मांग है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए जाएं। और खास बात ये भी रही कि आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व फौजी सुरेंद्र सिंह भी इसमें आज शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के अमेठी दौरे पर है। यहां पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, साथ ही साथ आरोप लगाया जमीन हड़पने का भी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लिया। अमेठी में एक कार्यक्रम के दौरान पहले स्मृति ने 25,000 महिलाओं का बीमा करवाया और उसके बाद कांग्रेस पर हमले की कमान संभाली। स्मृति ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने एक नामी साइकिल कंपनी को किसानों की 60 से 65 एकड़ जमीन दी और फिर इस साल 24 फरवरी को वो जमीन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। उधर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के आरोपों को निराधार बताया है। 80 के दशक में 65 एकड़ जमीन किसकी ली जाती है, किसकी ली जाती है, किसके लिए ली जाती है? कंपनी खोलने के लिए। ये बौखलाहट और असत्य की तरफ मुड़ने का एक प्रक्रिया है और उस प्रदेश से उस क्षेत्र से हारी हुई महिला अगर इस प्रकार से चीज कहेंगी तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो एक कैबिनेट स्तर की मंत्री है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने रास्ते में रुक रुक कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी दिया। देश भर में प्याज कटने से पहले ही रोगों को रुला रहा है। असल में देश भर के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 80 रुपए तक प्याज के दाम पहुंच गए हैं और ऐसी हालत में दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने की मांग करते हुए।
लाल प्याज आजकल और लाल हो गया है, गुणवत्ता को लेकर नहीं अपने दामों को लेकर। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। नासिक की लासलगांव मंडी में भी प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो को छू रहे हैं। उधर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्याज उत्पादन करने वाले राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और MP में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जाए। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्याज 30 रुपए किलो तक बेचने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार से मदद चाहिए। अभिनेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में NDA को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है। रामविलास पासवान का नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया है। चारों तरफ जिसके जो एक्सेप्टेबल हो, रेस्पेक्टेबल हो, एबल हो, गुणी हो, एक्सपीरियंस हो, रामविलास पासवान हो, ऐसे रामविलास पासवान जी को मैंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत या NDA के नेतृत्व में अगर नेतृत्व का जामा चोला उनको पहनाया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने रामविलास पासवान का नाम सजेस्ट किया, लेकिन रामविलास पासवान का कहना है कि अटल जी के जमाने में ही वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने से मना कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो CM की रेस में है ही नहीं। अटल जी ने कहा कि हमारी बात आप लोग मानेंगे, तो हमारी बात यदि आप लोग माने तो मैं कहूंगा कि रामविलास जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, सरकार इत्मीनान से चल जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा, इनका नेचर है, स्वभाव है सबको साथ में लेके चलने का। और कांग्रेस को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हम उस सरकार को क्या कहते हैं कैसे गिरा दें। अब हमको काटे तो खून नहीं, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, बस हमने पहुंच जाके पकड़ा, हमने कहा कि हमको इस तरीके से हमको मत फंसाइए, जिनको बनाना है बना दीजिए। और अब खबर दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश से, जहां पर हाथी का एक बच्चा खेलते खेलते बड़े से गड्ढे में गिर गया। बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे बाहर से निकाला। बेहद रोचक ये वीडियो आप भी देखिए। गड्ढे में इधर उधर भागता यह हाथी का बच्चा समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस तरह यहां से निकला जाए। दरअसल आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक गांव में ये गड्ढा कुएं के लिए खोदा गया था। हाथी का ये बच्चा रात के अंधेरे में इसमें जा गिरा, सारी रात यूं ही परेशान रहा। सुबह होने पर जब लोगों ने इसे देखा तो वन विभाग को खबर दी गई। इसके बाद वन विभाग ने प्रशासन को सूचना दी और फिर JCB मशीन के जरिए गड्ढे को बड़ा किया गया। साथ ही उसमें किनारे पर मिट्टी के जरिए ढलान तैयार की गई और धीरे धीरे हाथी का ये बच्चा कोशिश करके बाहर आ गया। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।